नमस्कार शुभसंध्या 7 PM न्यूज बुलेटिन सहित मु सौभाग्य स्वागत करुच्ची। खबर अभियान तो आरंभ करिवा किंतु ता पूर्वरु हेडलाइंस। मे 31 परे लागिपारे कोरोना संक्रमण रे ब्रेक, जून रे आश्वस्ति मिलिबा संभावना। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहउछंती एबे राज्य रे प्लाटो स्टेज रे कोविड 2 सप्ताह परे 10,000 रु खसिब दैनिक पॉजिटिव संख्या। एबे ओडिसा पई लॉकडाउन निहाती आवश्यक। चिंता बढ़ाला ग्रामांचल रे कोरोना संक्रमण हार। राज्य स्वास्थ्य विभाग नुआ एसओपी रे सर्भेलांस स्क्रीनिंग और आइसोलेशन को फोकस। लक्षण मात्रे स्वास्थ्य अधिकारी सह टेलीकनसल्टेसिंग परामर्श। एपटे टेस्टिंग पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट को नहीं बढ़ुची द्वंद। बारह हजार मुहा राज्य में दैनिक संक्रमण 11,732 नुआ पॉजिटिव चिन्हट। खोर्धार सर्वाधिक 1710 आउ 19 जन मृत्यु। सेपटे देश में बाहर 311,170 करोना आक्रांत। दिनक 4,077 जन मृत्यु। घातक साजिबा को बसला मे लॉकडाउन सटडाउन सत्वे राज्य में तलमुहा हेबा ना धरुनी महामारी। चलचित्र और सीरियल सुटिंग उपरे लागिला कटकणा। समस्त प्रकार इंडोर और आउटडोर सुटिंग बंद पई एसआरसी का निर्देश। भेरी सीभियर साइक्लोनिक स्टर्म होगा पर घंटा को 11 किमी बेगरे गति करुची। तौक्ते गोआरे प्रबल बर्षुची। मंगलवार गुजरात उपकूल में लैंडफॉल संभावना। प्रधानमंत्री को उच्चस्तरीय समीक्षा। प्रसारित खबर प्रभाव। बलांगीर सदर महकुमा श्मशान में गड़ुला कोरोना। मृतकों दरपोड़ा शव गदा कर रखा पर खपुरी नहीं जाऊला कुकुर। मशाणीर कला कहानी प्रसारण पर चेतला प्रशासन। सेपटे सम्मान सह मृतदेह सत्कार पाई अधिकारी स्वतंत्र दायित्व। सरकारी हॉस्पिटल में प्रसूति स्वामी को टंका मागुछंती नर्स। भाइराल होउची मयूरभंज जिला ठाकुरमुंडा ब्लॉक गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रु लांच मगार भिडियो। पूर्वतन विधायक कहिले लिखित अभियोग करी दुई मास हेला हेउनाही कार्यानुष्ठान। एवं श्रीक्षेत्र में श्रीनगर सम्मुख में रथ खला चलचंचल। श्रीजगन्नाथ घोषयात्रा पर रथ निर्माण कार्य अनुकूल पर आज तुंब काठ आरंभ। तीनोटी तुंब पर बड़ बड़ काठगंडी चिरट पर आसंता काली बार्सी जरिया गोले करेंगे महाराणा। आसवा विस्तृत खबर को। कोरोना द्वितीय लहर को सारा देश में भय और आतंकर परिवेश। किसी राज्य में लॉकडाउन थरे ये कम देखा बेले आउ किसी राज्य में लॉकडाउन पर भी ट्रेंड कमुनी। जहाँपर देश में कोरोना आक्रांतों संख्या बढ़ापर एवं ग्रामांचल को गुरुत्व दि जाएगी। एने आज जारी हो केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर नुआ एसओपी। ग्रामांचल में संक्रमण वृद्धि पाथ्वे नुआ रणनीति प्रस्तुत कर विशेष भाव सर्भेलांस स्क्रीनिंग और आइसोलेसन को फोकस पाई निर्देश रही। ग्रामांचल में केते व्यक्ति पाखे लक्षण देखाई टेस्टिंग किपरी अधिकर अधिक जदि संपर्क व्यक्ति पाखे ऑक्सीजन कम परिलक्षित हुए तबे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराइबा भली विभिन्न दिग को गुरुत्व सह एने निर्देश रही। तबे एने आशाकर्मी को नियुक्त करने को कहुई तासह एएनएम को रैपिड एंटीजन टेस्ट प्रशिक्षण देवाक निर्देश रही। लक्षण थे स्वास्थ्य अधिकारी टेलीकनसल्टेसी परामर्श नहीं हो तबे कोविड परिचालन पर त्रिस्तरीय व्यवस्था उपर गुरुत्व देवा सह गुरुतर रोगी को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करा जिवो सेनी एसओपी रे गुरुत्व दिया जाइछि। मते लागुछि अब जदि लॉकडाउन अवधि बढ़ेबा तले टा गोटी वीक खंडे पाखा पाखे रहबो। एटा जोटा हम को प्लाट्यू रे हम पहुंच जाइछे कारण प्लाट्यू टा गोटी वीक खंडे रहबो कारण पॉजिटिविटी रेट एबी भी 20% ऊपर रहउछि। तले नंबर ऑफ केसेस हम जत्ते करिया तार 20% पाखा पाखे हमर पॉजिटिव आ जाउछि। एटा कमिया लॉकडाउन ना आटलिस्ट हमारे गोटे वीक लगे पॉजिटिविटी रेट कमियापे ग्रेजुअली पॉजिटिविटी रेट कमी जीवो बाय एंड ऑफ मे बिगनिंग ऑफ जून से नंबर ऑफ केसेस सिग्निफिकेंटली कमी। हाँ मे 31 पर्यंत तो पॉजिटिविटी रेट हमारे तथा हाई थी तेणु नंबर ऑफ केसेस तो मे 31 बेलू तो आम निश्चय कमी जाए आम से 10,000 तौक देखुवा केसेस किंतु सिग्निफिकेंट कमिया टाइम लगे। जून मस बेलू तो निश्चय आम गोटे आश्वस्ति मिले भावियार किसी ना जून मस बेलू आम गोटे आश्वस्ति मिले आ जून सेकेंड हाफ बेलू आम नंबर ऑफ केसेस कमी जाइए
कारण आम अक्रस इंडिया से मैंने पिक अचिव कर मेजोरीटी केसेस पिक जोड़ा होती है जो मैंने आगु केसेस बढ़ी था महाराष्ट्र हो महाराष्ट्र में 34,000 दिल्ली 6,500 को पलि आसाने छत्तीसगढ़ कमीगला कि आम जैसे लेट आरंभ होता है तेणु आम नंबर रईजिंग केसेस अच्छे एवं भी आम पिक अचिव करने कि लॉकडाउन अवधि बढ़े बै एंड ऑफ दिस मंथ आम आउ पिक हम नापर कम निश्चय आगे जिते नंबर ऑफ केसेस अधिक रहा डेथ तो निश्चय बढ़ो आउ गोटे मोर बर्तमान डर कौन कि जहाँ इनस्टान्सेस आक बर्तमान स्टेज में कटक भुवनेश्वर बेड मिलूना आ जानते प्राइमरी केयर मेन मेजर केयर आम ओडिशा रे हेल्थ केयर टी क्रिटिकल इल पेसेंट कटक भुवनेश्वर तेनाली बेड पा ना लोक व्यस्त होती मुझे जानी और वीआईपी पेसेंट मानक बेड्र असुविधा होती तेणु से गोटे इश्यू हो गला जिते बेड न मिले लोक डेथ रेट निश्चय अधिक हे सेटा को आम मन रखा पड़ो से मन रखी आम जमी नंबर ऑफ केसेस आ न बढ़ू से ध्यान देवा पड़ो तेज तमाम विषय को नहीं आलोचनापी आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर ई वेंकट राव सर 7 PM न्यूज बुलेटिन को स्वागत करुच्ची नमस्कार सर मोर प्रथम प्रश्न रहिबो कि लॉकडाउन स्ट्रेटजी आपण कि महाराष्ट्र दिल्ली भली राज्य में संक्रमण को रोक जाई परुची किंतु ओडिशा रे लॉकडाउन को 12 दिन हलानी तथापि भी दैनिक 10+ ट्रेन कमुनी चाहे को चिंताजनक कारण लॉकडाउन होची गोटे ए जो कोरोना रो जेमती व्यापुची एटा होची गोटे मालगाड़ी भलिया मालगाड़ी रे ब्रेक देला परे 2 किलोमीटर परे जाईकि जेमती मालगाड़ी ता अटके सेमती लॉकडाउन करने द्वारा भी आपणकर कोरोना संक्रमण टा बंद हम आनेक किसी दिन पर कारण कोरोनार गोटे इनक्यूबेशन पीरियड था आप देखु जिते बड़े लॉकडाउन करते ब्रेक इन ट्रांसमिशन करा पूर्व जी सब ट्रांसमिशन हो सप्ताह 8 दिन 10 दिन पूर्व कारण यार इनक्यूबेशन पीरियड टा कम से कम 6 दिन रु आरंभ कर 14 दिन पर्यंत अच्छे ता माने जो जो माने 14 दिन पूर्व आक्रांत होई से माने आज भी मैनिफेस्ट करी परिवे सर संक्रमण वृद्धि सर संक्रमण वृद्धि पाइबा परे ग्रामांचल पई आज जारी होई नुआ एसओपी सर्वेलांस स्क्रीनिंग और आइसोलेशन को फोकस पई केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय निर्देश देछंती या सहित आशाकर्मी को द्वारा सर्वेलांस करबा उपर गुरुत्व रहउची कोन लागुची सर या द्वारा किछटा सफल मिलिबो हां जितते बेले सर्वेलांस करा जाय सर्वेलांस माने कोन गोटे कंटीन्यूअस स्क्रूटिनी ऑफ द इवेंट्स ए क्षेत्र रे हमर कोरोना होचे गोटे इवेंट जिते बेले सर्विलेंस करा जीवो जो जो जगह लुचि लुचि की केसेस अच्छा माने लोक लुचे न पारंती किंतु हेल्थ सिस्टम रु से माने जानी माने अवगत नुह से जिते बेले आइसोलेट माने माने आइडेंटिफाई कर आइसोलेट करवा ताले ट्रांसमिशन टा आउ टिके कमी जीवो सर कहा जाउछ कि वर्तमान सर कहा जाउछ कि वर्तमान राज्य रे हा प्लाटो स्टेज रे रहिछि तबे मे शेष किमा जून प्रथम सप्ताह रे संक्रमण हार कमिबो एहा को आपण केमि दुखसंदी देखंतु एटा हमरो निर्भर करूछि हमरो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर केते परिमाण रे होउछि जदि हमरो कोनोसी एपिडेमियोलॉजिकल मॉडलिंग कहिला जे जून 15 सुधा फ्लैट माने कर जून 1 तारिख सुधा फ्लैट हला किबा तळुक आसेला किंतु ता पूर्व जदि हमर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जदि स्ट्रिंजेंटली फॉलो करिवा लॉकडाउन मेजर्स स्ट्रिंजेंटली फॉलो करिवा ताहले ता पूर्व भी तळ को आसी जाय परिवो कारण इटा लॉकडाउन ता करूछंती सरकार लोकों को पाई कोरोना भूताणु पाई न कोरोना भूताणु ता निजो बेगर ही से चालिवो किंतु लोक मानंकर हमर एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऊपर डिपेंड करूछि कोरोना टा केमते तळ को आसीबो सर मो शेष प्रश्न रहिबो आमे समस्त एक सामाजिक विपद सह गति करुचे ए समय समालोचना नुह बरम एकाठी होई काम करबा दरकार किंतु सर आज एक खबर आसी बीएमस रु कि से कैपिटल रे टेस्ट कले पॉजिटिव आसला किंतु जेहेतु किछि लक्षण नथिला से प्राइवेट रे कले सेठार तांकर आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आसला जदि सर टेस्ट प्रोसीजर समान तेबे रिपोर्ट केमिति अलग आसुचि पॉसिबल कारण ए जो टेस्ट आरटीपीसीआर एस सच गत वेव रे प्रथम वेव रे 60-70% सेंसिटिव थाए आम पाखरे सेमिती कोरोना को डिटेक्ट करिवा पाई जो निर्दिष्ट टेस्ट जोटा कि आम आरटीपीसीआर कहवा कि रैट टेस्ट करिवा रैपिड एंटीजन टेस्ट हाँ ये दुईटी जगार भी केते जगार मिस हो पार जो मिस हो जाऊँगी भावंतु जे एवरी सिंगल पर्सन जहाँ को ज्वर अच्छी कि टे कफ और अपरेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन अच्छे से भाभी नहीं जावा कथा जे से कोरोना अच्छी ही अच्छे
कारण कोरोना पेंडेमिक समय रे एनी ज्वर इज कंसीडर्ड एज ए कोरोना ज्वर अनलेस अदरवाइज प्रूवन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वर्तमान लोग टेस्टिंग ऊपर गुरुत्व न देकरे माने मु लोकों को पर्सपेक्टिव रे कहू छी जहार सिम्टम आसला कौन भी रहला से माने निश्चय मास्क पिंधे एवं सामाजिक दूरता मेंटेन करिवे। ताठू आउ गोटे अधिका स्टेप होउछि जो माने भावि नियंतु जे समस्तक देहरे बर्तमान कोरोना भूताणु अछि इनक्लूडिंग मी, कारण मु आगुरु कोरोना गत वर्ष कोरोना रे आक्रांत होइथिलि, दुईटी डोज टीका नेइथिलि एवं परीक्षा करके जानी आरटीपीसीआर रु माने एंटीबॉडी टाइटर भी सफिशिएंट अछि किंतु वर्तमान भी मु मास्क पिंधुछे तातो डबल मास्क पिंधुछे कारण वर्तमान भी मु भूताणु मो देहरे थाई पारंथे मु जहाँ सांगे कथा होउछि तांको मु दे पारे हुए तो मु आक्रांत न होउछि सेथिजोगु आमर लोकंक उपरे निर्भर करुछि जे आमे केमिति कंट्रोल करिबा पई आमे सरकारंकर सहयोग करिबा समस्ते 100% छुआ टू आरंभ करी बुढ़ा पर्यंत जति स्त्री पुरुष तो सर मुख्य कथा होउछि कि जनसाधारण सर मुख्य कथा होउछि कि इच्छे आमे कोरोना रु विजय विजयता सर मुख्य कथा होउछि कि जनसाधारण को सचेतनता आवश्यक रहिछि। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त इ भेंकटराव आम सहित स्वास्थ्य विशेषज्ञ वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी होते अनेक तथ्य देते तेरे सारा देश में कोरोना को नहीं गोटे बड़ चिंताजनक परिस्थिति सृष्टि होता बेले यार भितर आउ एक बड़ चिंता नहीं आसी बात्या तौक्ते अति भीषण साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत हो तौक्ते देखाई तार तांडव यह सामुद्रिक झड़ प्रभाव में आज गोआ में प्रबल वर्षा लगि रही विभिन्न स्थान में गच भांगी रास्ता उपर पड़ रहा फल जातायात बाधाप्राप्त हो तेरे समुद्र अशांत रहा उच्च उच्च ज्वर आसुची आरब सगर में सृष्ट यह सामुद्रिक झड़ वर्तमान घंटा प्रति 13 किलोमीटर बेगरे उत्तर दिगरे गति करुची पूर्व मध्य आरब सगर में गोआर पंजिमा ठार 120 किलोमीटर दूर पश्चिम दक्षिण पश्चिम और मुंबई ठार 420 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व बात्या केन्द्रीभूत हो आसंता 24 घंटे यह अधिक घनीभूत हो उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर 17 तारीख दिन सन्धार गुजरात उपकूल में पहुंच 18 तारीख सकाळु पोरबंदर और महुआ मध्य लैंडफोन करने पूर्वानुमान कर आईएमडी से घंटा प्रति 150-160 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा आशंका करउतेर मुकाबला वर्तमान सुधा 101 एनडीआरएफ टीम आलर्ट रही तेज सेपटे प्रभावित आशंका 6 राज्य केरल कर्णाटक तमिलनाडु महाराष्ट्र गोआ गुजरात समेत डामनडीवे एसबु टीम मुतयन अच्छा 65 एनडीआरएफ टीम फिल्ड में नियोजित थिबा बेले 14 टीम रिजर्व हो रही अन्य प्रभावित अंचल रे रिलीफ और रेस्क्यू सह एयर लिफ्ट 22 टीम को अलर्ट रखा जाइथिबा एनडीआरएफ पक्ष सूचना दी जाइछि। सबडे बात्या नहीं केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र गुजरात मुख्यमंत्री एवं डामन ड्यूर प्रशासनिक अधिकारी सह अधिक आलोचना करछन्ति। This has happened all of a sudden. Now so many trees have been uprooted. So, and the fire brigade is doing its job. So basically everyone should engage themselves because many roads are basically blocked and traffic should not get congested. So anyhow, we are trying to do a little bit from our side. तमाम विषय को नहीं आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती अधिक सूचना देवाई सूरत प्रतिनिधि शैलेश चंपानीरा। शैलेश जानना चाहूंगा कि साइक्लोन का अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है। शैलेश सुन रहे हैं? हेलो आवाज नहीं आ रही है। शैलेश सुन रहे हैं? हाँ अभी अभी आई अभी आई जी। शैलेश अभी ये जो साइक्लोन को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है? हेलो हेलो शैलेश अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है गुजरात में साइक्लोन को लेकर? देखिए जो ताऊ के जो चक्रवात है वो धीरे धीरे गुजरात की ओर आ रहे हैं। अब उनके मुंबई से करीब करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर है पर उसकी असर आज गुजरात पर देखने को मिल रही है। खास करके जो साउथ गुजरात का इलाका है वहां पर तेज हवाओं के साथ काफी जगह पर बारिश भी हो रही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि गुजरात में ताऊ के ने अभी दस्तक दे दिया है और कल रात तक वो गुजरात के जो खास करके पोरबंदर और महुआ इलाके में वो समंदर तट से टकराएगा। उसी वक्त उसकी स्पीड करीब करीब 150 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। अगर प्रशासन की बात करें तो आज भी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आला अधिकारियों से उच्च स्तर की एक बैठक का आयोजन किया था। साथ साथ में जो केंद्र से जो गृह मंत्री है अमित शाह
उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत की गई थी और केंद्र भी इस पूरे चक्रवात के ऊपर नजर बनाए हुए है। खास करके जब गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम गुजरात में चक्रवात से एक भी आदमी की मौत नहीं होने देंगे, ऐसी उन्होंने व्यवस्था की है। और जो खास करके जो सौराष्ट्र इलाका है वहां पर करीब करीब 44 एनडीआरएफ की टीम और 10 एसडीआरएफ की टीम को भेज दिया गया है। और गुजरात के मुख्यमंत्री की माने तो करीब आज रात तक में 1.5 लाख लोगों को शिफ्टिंग किया जाएगा। चले, साइक्लोन को लेकर अभी गुजरात में क्या क्या इंतजाम किया गया है? पूरा इंतजाम तो चाक चौबंद सरकार की ओर से किया गया है। खास करके जो सौराष्ट्र का इलाका है वहां पर आज रात तक करीब करीब 1.5 लाख लोगों को सही सलामत जगह पर उनको पहुंचाया जाएगा। और साथ में जो गुजरात के जो दमन का जो कोस्ट गार्ड है जो पूरे पश्चिमी तट पर देश की सरहदों की निगरानी रखता है समंदर में, उसको भी अलर्ट पर रखा गया है। और साथ में गुजरात के सीएम विजय रूपाणी का ये भी कहना है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम नेवी और एयरफोर्स से लेकर सेना की भी मदद लेंगे। सलेस, बारिश और हवा अभी गुजरात में कितने जोर से चल रहे हैं, क्या हालत है? देखिए अभी अभी गुजरात में खास करके अभी तावक्यों की असर आज से दिखने को मिली है और वो कल 17 और 18 तारीख को गुजरात में भारी से अति भारी बारिश की मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है। तो जो भी तावक्य की असर है वो कल से गुजरात में शुरू होगी, पर आज कम से कम थोड़े इलाकों में तावक्य ने दस्तक तो दे दी है। थोड़ी तेज हवा भी चली है और काफी जगह पर साउथ गुजरात में बारिश भी हो रही है। तो इस साइक्लोन को लेकर अभी कितने लोगों को इवैक्यूएट किया गया है? देखिए खास करके जो समंदर तटीय इलाकों में जो लोग रहते हैं या जो कच्चे मकानों में रहते हैं तो इन लोगों को सरकार ने अलर्ट किया है और उनके लिए स्कूलों में रहने के लिए प्रबंध भी कर दिया है और उनको बोल दिया है कि आज रात तक आप अपने मकान छोड़कर ये स्कूलों में शिफ्ट हो जाइए। सरकार की तरफ से उनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था भी की गई है। और खास करके जो सौराष्ट्र इलाका है जहाँ इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होने वाला है वहां पर करीब करीब 1.5 लाख लोगों को आज रात तक सरकार स्थानांतरित करके उनको सलामत जगह पर पहुंचा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश ज्यादा जानकारी के लिए, आप भी आपका ख्याल रखिए। एणे तेणे पड़ी रही मृतदेहर अवशोष, किसी दरपड़ा हो पड़ी तो पुणी किसी को झुणी खाऊ कुकुर। ए दृश्य जिते हृदय विदारक सेते अमानवीय। बलांगीर बीजाखमन निकट श्मशान चित्र एने खबर प्रसारण पर प्रशासन सिना चेती किंतु स्थिति बदलनी, कारण दरपड़ा श्मशान जेसीबी लगाई पूरा अंचल को सफा कर मृतदेहर अवशेष नहीं श्मशान निकट जमि में फोपड़ा जाए। देखु बलांगीर रिपोर्ट। मनुष्य जेउ रोगरे मृत्युवरण करुना काही शव सम्मान पाइबा आईनसम्मत, किंतु महामारी करोना रे मृत्युवरण करथवा शव पाउनथिला सम्मान, मशाणी रे गोडुथिला दरपड़ा शव। घटना घटीथिला बलांगीर सदर महकुमारे। एने खबर प्रसारण कला ओडिसा रिपोर्टर। खबर परे चेहिला पौर प्रशासन पूरा मशाणी रे जेसीबी लगाई सफा करी दरपड़ा शव ओ खपुरी को गोटिए जगारे गदा करैला। मौका देखि मनीष मुंड को कुकुर नेउथवार दृश्य देखिथिले शव पड़ुथवा संपर्कीय। अवश्य एबे चेंची प्रशासन, एबे शव पड़िबा पई जणे अधिकारी को दायित्व दिए जाइछि, मशाणीर उन्नतिकरण भी करा जाइछि। ट्रीटमेंट देनी पारे मैं आमर ऑफिसर के नि बुझी बिर किछ कहनी पारे न कुकुर नवा दखन मैं एटा त मैं आपन को हे पके देखु छै कुकुर काना बैठिथवा जन मैं कंदा रे जानबे आ मुंड नै छै काना बोली। ये होछि खबर परर प्रभाव। एबे जणे मजिस्ट्रेट शव पड़िबा दायित्व रे, तेनु सुनिले त कौन कहते दायित्व अतिरिक्त तहसीलदार निया जलिबा ठारु निया लिभिबा पर्यंत एठि मोर दायित्व, सब ठीक ठाक पड़िबा पर्यंत मोर दायित्व, जांच कला परे जागा छाड़ी। हेले गत 14 तारीख दरपड़ा शव को नहीं खबर हेबा परे निजर भूल लुचाइबा को प्रयास करथिला पौर संस्था। भोर समय श्मशान उपर जेसीबी लगाई मशाणी को सफा करथिले पौर कर्मचारी। हेले एठी भी टिके भूल कर दिथिले, खपुरी दरपड़ा शव को पड़ी नथिले निकट रे फिंकी देले। बास मौका देखी बुला कुकुरों को भिड़ एपरिक शव पड़ुवा संपर्क मानक सामने कुकुर मुहरे मणिष मुंड को देखी दुखरे
ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଆମର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତରେ ଜଣେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛନ୍, ଡେଡ଼ ବଡ଼ିଟା ଆମେ ଘରକେ ନେଇ ନେଇ ପାର୍ବା, ହେଲେ ଏନ ଯେନ୍ଟା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦହନ କରୁଛନ୍ ଭଲ ନିୟମ ନୀତିରେ ଟିକେ କରନ୍। ଆମର ସାମ୍ନାରେ କୁକୁର ଗୋଟେ ଧରିକରି ଗୋଟେ ମୁଡ଼ ଫିସ୍ଟାକେ ଏବେ ସାମ୍ନାରେ ନେଇକରି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ଭଲ କରି ଟିକେ ଦହନ କରୁନ୍ ଆଜ୍ଞା। କୁକୁର କୁକୁରଟା ନେଇକରି ଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଡ଼ଟା ଧରିକରି ସାମ୍ନାରେ ଯାଇଛି। ଦେଖୁନ୍ କାଣା ଜଣେ ଗୋଟେ ଇହାଦେ ତାମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ତ କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଛି, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏନ୍ତା ମରି ଚାଲିଛନ୍, ବୋଲେ ଯାହାକି ଇହାଦେ କୋଭିଡ଼ ହେଲା କିନି ସେ ଡାଟ ବଡ଼ିକି ନେଇ ଘରକେ ନେଇ ନେଇ ଦେବା, ବାକି ସେମାନେ ଇନ ସେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରବାର୍ ଲାଗି ଏଠାରେ ରଖୁଛନ୍। ଇହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନି, ସେନ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ସେ ମୁଡ଼ଟେ ଧରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଆଡ଼ୁ ଯାଉଥିଲା, ବୋଲେ ମୋର ଶୁଣବାର ଆଗରୁ ବି ବନେ ଅନେକ ଲୋକ ବି କହିଛନ୍ କି ସେନ ଯେନ୍ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରୁଛନ୍ ତାନ ବଡ଼ିକି ଠିକ୍ ସାରିନି ପୁଡ଼ାବାର୍, ତାମାନେ ଦରକଚିଆ ପୁଡ଼େ କରି ଇଆଡ଼ ସିଆଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍। ସରକାର ବି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛେ ଗୋଟେ ମାନେ ସବକେ ଭଲସେ ପୁଡ଼ା ବୋଲିକିରି, ସେମାନେ ସେ ତା ହିସାବରେ ସେମାନେ ନି ପୁଡ଼ା, ହଜାର ହଜାର ଏହା ବଲରେ ଆଠଟା ଦଶଟା ଆଣିକିରି ଏନ୍ତା ଆସୁଛନ୍, ତାର ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସରକାର କହୁଛି ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ତାମାନେ ଗୋଟେ ସବକେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରା ସେନ୍ତା ନି କରବାର ଏମାନେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମଶାଣିର ଦୃଶ୍ୟ, ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛାଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ମଣିଷ ଖପୁରୀ ଓ ଦରପଡ଼ା ଶବ, ହେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ଚେଇଁଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗତକାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଶାଣିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ହାଇ ଲେବୁଲ ଟିମ୍, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରଜମିନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଶବକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପାଳି ଓଳି କରି ଜଣେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କ୍ଷମତା ଦେଇ ମଶାଣିରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାତାରାତି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ସହିତ ଶ୍ମଶାନରେ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ନଳକୂପ ବି ଖୋଳାଯାଇଛି, ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମନା କରାହେଇଛି, ମୁଁ କିଛି କହିନିପାରେ, ହେଟା ମୁଁ କହିନିପାରେ, ହେଟା ମୁଁ କାଁ କରିବି, ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା ପୁରା ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୁରା ନିଆ ଲିଭଲା ତକ ରହିକରି ପୁରା ପୁଲା ତକ ଚେକ୍ କରିକରି ଯିବି। ସବକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, କିନ୍ତୁ ମଶାଣିର କଳା କାହାଣୀକୁ ଲୁଚେଇବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରି କୁକୁର ମୁହଁରେ ମଣିଷ ମାଂସ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଶୀ। ମନୋରଞ୍ଜନ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସେଭେନ୍ ପିଏମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ। ମନୋରଞ୍ଜନ, ପ୍ରଥମେ ମଶାଣିରେ ଦରପଡ଼ା ଶବ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ, ପରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ଏବଂ ଦରପଡ଼ା ମୃତଦେହକୁ ଏକାଠି କରି ରଖାଯିବା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଇ କୁକୁର ମଣିଷ ଖପୁରି ନେଉଥିବା ଭଳି ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ପ୍ରଶାସନ ଚେତିଛି ଏବଂ ଏପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଖବର ପ୍ରଭାବ ଅବଶ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିବ? ସୌଭାଗ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା କଥାରେ ନାହିଁ ଗୋଦରୀ କୋଡ଼େ ଯେତେ ମାଡ଼େ ସେତି, ଏ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଚେଇଁଛି, ପ୍ରଶାସନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଶାଣିରେ କଳା କାହାଣୀକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇକି ପୌର ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଜେସିବିରେ ସଫା କରିଦେଇଛି, ସଫା କରିବା କଥା ବି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦରପଡ଼ା ଶବ ପିଲା ବା ମଣିଷ ଖପୁରୀ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୋଡ଼ି ଦେବା କଥା କିମ୍ବା ପୋତି ଦେବା କଥା, ତାହା ନ କରିକି ଗୋଟେ କଣ୍ଡରେ ଆଉଜେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ସ୍ପେଟିକ୍ ଡାଏଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଶବ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶବକୁ ଯେତେବେଳେ ଦାହ କରାଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ଗୋଟେ ଖପୁରୀ ମୁଣ୍ଡ ଧରିକି ସେପଟୁ ଯିବ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମାନସିକତା କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଶାସନ ଚେଇଁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏକ ହାଇ ଲେଭେଲ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ, ପୁରା ସର୍ଜରୀ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ଯେ ଶବ ପୋଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତଦାରଖ କରିବେ ଯେ ତାକୁ ଡିଗ୍ନିଫାଏଡ୍ ୱେରେ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଗଲା ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ମଶାନ ସଫା କରିକି ଦରପଡ଼ା ଶବକୁ ଆଉ ଥରେ ପୋତି ଦେବା କଥା କିମ୍ବା ପୋଡ଼ି ଦେବା କଥା ତାହା କରିନି ପୌର ପ୍ରଶାସନ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପୌର ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେ ତାକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଉ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ଯାହାକି ଆଇନ ସମ୍ମତ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ସୌଭାଗ୍ୟ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଖବରର ରିପୋର୍ଟିଂ ବେଳର ଅନୁଭୂତି ଓ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ କ'ଣ ରହିବ? ସୌଭାଗ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକ ମହାମାରୀର ମହାଉତ୍ପାତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ କଲ୍ ବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟିଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ ବଲ୍ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ଯଦି ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିବେ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଆଇନ ସମ୍ମତ ମଧ୍ୟ ନା, ଜଣେ ଶବକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ଯେତେବେଳେ ଶବକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ଖବର କରିବାର ମୋର ପ୍ରାଥମିକତା ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖବର କରିଥିଲି ଏବଂ ଖବରର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚିହ୍ନିଛି, ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି, ଭୁଲ ସୁଧାରିବା କଥା,
କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୃଦୟ ବିଦାର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କଲବଲ ଲାଗେ କାରଣ ଶବ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ପାଉନଥାଏ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଶବ ଆସୁଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ମୁହଁରେ ମଣିଷ ମାଂସ ଲାଗେ ଏ ପ୍ରକାର ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ କଲବଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ସୌଭାଗ୍ୟ आम चाहूँ मनोरंजन कि प्रत्येक समय रिपोर्टिंग बेले आपण यह अनेक संवेदनशील खबर को सामना को आणतु और प्रशासन अपारगता को चेतई दिंतु और प्रशासन यहाँ सचेतन हूँ बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन जोशी आम सहित जोड़ी होते बलांगीर ब्यूरो हेड आसवा परवर्त खबर को पुणी पदा को आसी सरकारी हस्पिटाल लांच मगाजार संगीन अभियोग मयूरभंज जिला ठाकुरमुंडा ब्लॉक गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रु भाइराल होता भिडियो हस्पिटाल जड़े नर्स प्रसव पर प्रसूति स्वामी को टंका लांच मागुछंती तबे करण जियार पूर्वतन विधायक करथिबा अभियोग अनुसार एही घटना को प्राय दुई मास तलर यह बीती जाइथिले मध्य ए संपर्क में जिला चिकित्सा अधिकारी एवं जिलापाल को लिखित अभियोग मध्य करा जायथिला किंतु ए पर्यंत कोनोसी भी कार्यानुष्ठान निया जाय नाही तो खर्च पत्र देकि जाय तोर कार्ड कर दे हला तोर बीपी केस तोर बहुत रिस्क रे रखि डिलीवरी करा हाय छी खर्च पत्र देकि जाय तोर कार्ड फाड कर दे जइबो बीपी कमिले तते छाड़ दिया जीव खर्च पत्र ये खातार रखीदे कि जाए से जो बुढ़ी धोला घर से मत सा ना आम दीज मिसिक डेलीवरी जनता कम हुए दीज कम शुणिले तो कौन कहले मेडिकल कर्मी जनक तार बहुत हार्ड केस थिला तार बीपी भी अधिक थिला मु रिस्क नहीं कि काम कली नचे आउ किए हेथिले रेफर कर देथांता सेथिपई तू किछि खर्च दे ए खाता भितरे रखि दे जा एपरि जने प्रसूति महिलाक स्वामी को जने सेविका टंका मांगुथिबा ए भिडियो भाइराल हेबार लागछि भाइराल भिडियोटी हेउछि मयूरभंज जिलार पछुआ इलाका कहा जाउथिबा ठिकुरमुंडा ब्लॉक गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्रर ए भिडियो गत मार्च मास रहिथिबा बेले पाख राणीभोल गाँव दुर्गा सोय और बामुणी सोय प्रसव जनित जंत्रणा पई हॉस्पिटल भर्ती होते सेठारे ड्यूटी थिबा सेविका जनक प्रसव कराइथिले हेले 1000 टंका दाबी करथिले सेविका जनक एहा परे ताहाकुनी मूलचाल मध्ये होइथिला जने निहाती गरीब आदिवासी परिवार निज जीवन जंत्रणा उपशम पई डाक्तरखाना रे भर्ती होउछंती एवं सरकारी दरमा पाउथवा जने सेविका किभली टंका पई बाध्य करुछंती ए सरकारी व्यवस्था उपरे एबे उठिछि प्रश्न जहाँ को नहीं प्रतिक्रिया देछंती करंजियार पूर्वतन विधायक ना ठाकुरमुंडा स्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान जो प्रकार शोषण चली पेसेंट मानक दुर्व्यवहार आ जुलूम भी चली पाँच तारीख सी डी एम पाखे आम वीडियो क्लिपटा देखा एवं न्याय मागिबा तेणु दुर्गा को भी नहीं कि जाइली तेणु मोर मीटिंग भी थिला मीटिंग रे जिते सी डी एम टे लेट्रे आसिले मोर सहयोगी मानक दुर्गा सहित पठे थी सी डी एम को देले एवं सी तुरंत कार्यकारी करे बोल कि प्रतिश्रुति भी देले एवं एस डी एम पाखर को गोटे फर्माली गोटे ये करवा एस डी एम पाखर तेणु एस डी एम को पठे दूची करंजिया बोली कहले तो 8 तारिख दिन एस डी एम भी आसिक इनक्वारी कले तापर वर्तमान सुधा मसे ऊपर है बर्तमान सुधा यह एक जंघी जघन्य माने जोटा को आम कह कि जो प्रकार शोषण विरुद्ध रे प्रशासन बर्तमान स्वास्थ्य विभाग प्रशासन सी डी एम साइलेंट अच्छा ये अति दुर्भाग्यर कथा तेणु आपण मैंने निजी अनुमान करुवे स्वास्थ्य विभाग केमी आम मयूरभंज भितर चलती लोकों अभियोग एवं वीडियो देखि स्थानीय पूर्वतन विधायक गोष्ठी स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी समस्त नजर को आनी एवं किसी भी फल न होवारु जिलापालंकु मध्य लिखित अभियोग करते तेरे घटना को दुई मास बीती जाइले कौन कार्यानुष्ठान होना पूर्वतन विधायक कहते मयूरभंज जिले में स्वास्थ्य सेवा किभली चली हूँ एक नग्न उदाहरण एने ठाकुरमुंडा गोष्ठी स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रसूति सेविका सह जोगाजोग करते प्रतिक्रिया मिल पारिना बारिपदारु माणिकलाल पाणी एवं करंजियारु दीपक महंतंक रिपोर्ट ओडिशा रिपोर्टर बुलेटिन शेष करिया पूर्वरु हेडलाइंस पुनि थरे मे 31 परे लागिपारे कोरोना संक्रमण रे ब्रेक जून रे आश्वस्ति मिलिबा संभावना स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहउछन्ती एबे राज्य रे प्लाटो स्टेज रे कोविड दुई सप्ताह रे 10,000 रु खसिबो दैनिक पॉजिटिव संख्या एबे ओडिसा पई लॉकडाउन निहाती आवश्यक
चिंता बढ़ाले ग्रामांचल में कोरोना संक्रमण हार राज्य स्वास्थ्य विभाग नुआ एसओपी रे सर्भेलांस स्क्रीनिंग व आइसोलेसन को फोकस लक्षण मात्रे स्वास्थ्य अधिकारी टेलीकनसल्टेन्सींग परामर्श एपटे टेस्टिंग पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट को नहीं बढ़ुच द्वंद्व बार हजार मुहा राज्य में दैनिक संक्रमण 11732 नुआ पॉजिटिव चिन्हट खोर्धारु सर्वाधिक 1710 आउ 19 जन मृत्यु सेपटे देश में बाहर 311170 नुआ आक्रांत चिन्हट दिनक 4077 जन मृत्यु घातक साजिबा को बसला मे लॉकडाउन शटडाउन सत्वे राज्य में तलमुहा हेबार ना धरुनी महामारी चलचित्र और सीरियल सुटिंग उपरे लागिला कटकणा समस्त प्रकार इंडोर और आउटडोर सुटिंग बंद पई एसआरसी का निर्देश भेरी सीभियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हेबा परे घंटा को 11 किमी बेगरे गति करुची तौक्ते गुआरे प्रबल बरसुची मंगलवार गुजरात उपकूल रे लैंडफॉल संभावना प्रधानमंत्री उच्चस्तरीय समीक्षा प्रसारित खबर प्रभाव बलांगीर सदर महकुमा श्मशान में गड़ुला करोना मृतकों दरपोड़ा शव गदा कर रखा परे खपुरी नहीं जाता कुकुर मशाणी कला कहानी प्रसारण पर चेतला प्रशासन सम्मान सह मृतदेह सत्कार अधिकारी स्वतंत्र दायित्व सरकारी हॉस्पिटल प्रसूति स्वामी को टंका मागुचंती नर्स भाइराल होउची मयूरभंज जिला ठाकुरमुंडा ब्लॉक गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र लांच मगार वीडियो सेबे पूर्वतन विधायक कहिले लिखित अभियोग करी दुई मास हला हेउ नहीं कार्यानुष्ठान एवं श्रीक्षेत्र श्रीनगर सम्मुखें रथकला चलचंचल श्रीजगन्नाथ को घोषयात्रा रथ निर्माण काम अनुकूल पर आज तुंब काम आरंभ तीनोटी तुंबपाई बड़ बड़ काठगंडीर चिरोटी परे आसंता काली बारसी जरिया गोलई करिवे महाराणा समय बुलेटिन को रखुचु दिन तमाम गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं 7 PM न्यूज बुलेटिन सहित आम सहित जोड़ी रुहतु नमस्कार।